हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विनीति में। तो फ्रेंड, जैसे कि करवा चौथ या अगोई का फेस्टिवल आ रहा है और कुछ ना कुछ हम बनाते रहते हैं, जैसे पूरी पकवान। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बायने के लिए बना लेते हैं कुछ अलग सा, क्योंकि पूरी सभी लोग नहीं खा पाते हैं या हमें कहीं बाहर अपना बायना भिजाना, बायना मतलब जो खाना हम पूजते हैं, पूजा करते हैं, उसको हम कहीं बाहर भेजना होता है हमें, या एक दो दिन रखना भी होता है, तो हम खाना तो ख़राब हो जाता है, तो क्या करें। तो हाँ, उसके लिए हम बना लेते हैं यहाँ पर। कुछ लोग मीठी मटरियाँ या पापड़ी बनाते हैं, कुछ नमकीन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीठी मटरी या पापड़ी, और बहुत ही आराम से आप इसको बना सकते हैं। आप पूरी की जगह आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस अगोई या करवा चौथ पर आप इसको ट्राई कीजिए। किसी भी व्रत पर जब आपको खाने की पूजा करनी हो और किसी को देना हो, तो आप पूरी की जगह ये भी चीज़ बनाकर किसी को दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं अगोई या करवा चौथ स्पेशल मीठी मटरी या पापड़ी। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा ले ली है, या फिर 1 कटोरी मैदा ले लेते हैं, किसी भी चीज़ से मेज़र करेंगे। और लगभग 4 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे मेल्टेड घी, या फिर इसमें आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप इसमें वही यूज़ कीजिए। तो मैंने 4 टीस्पून इसमें घी या फिर ऑयल ले लिया है, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से घी या ऑयल मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से मसलते हुए हम इसको मिक्स करेंगे, और आप इस तरीके से मुट्ठी बनाकर देख लीजिए। अगर बन जाती है तो हमारा जो घी या ऑयल है वो परफेक्ट है। और आप इसमें, अगर आपको कम लगे और मुट्ठियाँ ना तैयार हों इस तरीके से, तो आप थोड़ा सा इसमें और घी या ऑयल डाल सकते हैं। ध्यान रहे, हमें इसमें सरसों का ऑयल बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। और अब हम डालेंगे इसमें नॉर्मल पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक सख्त सा डो तैयार करेंगे। ज़्यादा हमें इसका जो डो है वो सॉफ्ट तैयार नहीं करना है, तो हमें थोड़ा टाइट ही डो इसका चाहिए। तो वो हम बना लेते हैं। तो ये मैंने डो तैयार कर लिया है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। और आप देख रहे हैं, ये मैंने लिया था यहाँ पर 1 कप पानी। तो ये मेरा आधा कप से थोड़ा कम ही पानी मैंने यूज़ किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो आटे को भी यूज़ कर सकते हैं मैदा की जगह। अब हम इसको ढककर रख देते हैं लगभग 10 मिनट्स, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये जो डो है हमारा रेडी हो गया है, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। और इसको हम इस तरीके से मसल लेते हैं, और हम मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है, हमने अपना जो ऑयल है तलने के लिए वो रख लिया है। और थोड़ा थोड़ा हम इसमें से डो ले लेते हैं, और उसको हम इस तरीके से पेड़ा बनाएंगे और इसको बेल लेंगे। तो हमें इसको पतला ही बेलना है, तो इसको थोड़ा हम बड़े साइज का ही बेलते हैं, जैसे पूरी का जो साइज होता है वो वाला। और आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा साइज है, पूरी वाला साइज है वो बेल रही हूँ इसको। तो गोल इसको हम शेप देते हैं, और पतला पतला हम इसको बेल लेते हैं। ये हमने बेल लिया है, और अब हम लेंगे एक फॉर्क ले लेते हैं, और उससे हम इस तरीके से इसमें होल कर देंगे, पलटेंगे, और दोनों तरफ से ही हमें इसको फॉर्क से इस तरीके से कर लेना, ताकि फूले ना और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब हमने ऑयल गरम करा और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर लिया है, और लो फ्लेम पर ही हम इसको इस तरीके से सिकने देंगे। तो हमें इसको बिल्कुल धीमी आँच पर सिकने देना है, ताकि अच्छे से क्रिस्पी बने। हाई फ्लेम पर सीखेंगे तो आप ये जल्दी से सीख जाएंगे, और सॉफ्ट भी रहेंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो हमें गाइस बहुत ही हल्के तेल पर डालना है, और जैसे ही कलर चेंज हो तो थोड़ा फ्लेम को हम हाई कर देंगे, लेकिन हम इसको लो फ्लेम पर सेकेंगे। तो सेक लेते हैं, तो लो फ्लेम पर हम इसको बीच में इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे, और इसको अलट पलट करके हम बहुत ही धीमी फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो धीमी फ्लेम पर ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी, और हाई फ्लेम पर अगर हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट और पूरी जैसी बनेगी। तो हमें इसको करारा यानी कुरकुरा बनाना है, तो हम इसको लो फ्लेम पर ही बनाएंगे। तो इसको इस तरीके से ही सिकने देते हैं। तो मैंने अलट पलट करके क्रिस्पी सी ये हमारी जो मटरी है वो बनकर तैयार हो गई है, और ये देखिए फूली भी नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी है। तो एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं, और सारे ही जो हमारी मटरियाँ हैं वो इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। तो एक सारी ही जो मटरियाँ हैं वो क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी तैयार हो गई हैं, देखिए जैसे आपको आवाज़ से ही लग रहा है। अब हम इसको मीठा किस तरीके से करते हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। बहुत ही आराम से वो हमारी मीठी तैयार हो जाएंगी।
तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। हाफ कप हमने लिया है यहाँ पे शुगर, और हाफ से भी हाफ हम लेंगे यहाँ पर पानी, मतलब जो हमने आधा लिया है शुगर कप तो उससे भी हम हाफ लेंगे पानी। और गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं, तो इसको हम मेल्ट होने देते हैं और इसकी एक तार की हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चीनी मेल्ट हो गई है और अच्छे से थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है, चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा एक तार तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम बंद करेंगे और यहाँ पर डालेंगे हम इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जो हमारी मटरियाँ हैं उसको हम इस तरीके से डालेंगे, और दोनों साइड से हम इस तरीके से डालने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा शुगर सिरप है उसको निकाल लेते हैं और इसको प्लेट में डालेंगे। तो इसी तरीके से सारी मटरियों को हम कोटिंग कर देंगे। ये हमारी मीठी मटरियाँ मीठी पापड़ी बनकर तैयार हो गई हैं, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। और अभी थोड़ी चिपचिपी लगेंगी आपको, तो आप क्या करेंगे इसको थोड़ा सा पंखे के नीचे आप इसको रख दीजिए थोड़ा सा, 1 से 2 घंटे के लिए, और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। और ये है हमारी स्पेशल अगोइयाँ करवा चौथ स्पेशल, आप इसको बना सकते हैं। तो आप भी इसको बनाएं परफेक्ट तरीके से, आप अपना मेज़र करके बनाएं, जितनी आपकी ज़रूरत है उतने ही कप आप इसको लीजिए बनाइए। मैंने लगभग 1 कप लिया था, तो उससे लगभग 8 से 9 ये हमारी जो मटरियाँ हैं बनकर तैयार हो गई हैं। काफ़ी बड़ी बनाई हैं और बहुत ही क्रंची भी हैं और टेस्टी भी हैं। तो इसी ट्रिक से आप बना सकते हैं, तो बनाइए इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।